फिलहाल देखते हैं हो पाता है या नहीं। वैसे बहुत ठंडा लग रहा है दोस्तों, बादल बादल सा हो रखा है मौसम और लड़के लोग काम कर ही रहे हैं, तो मैं अपना काम करूंगा। तो शाम भी हो चुकी है दोस्त और काफी लेट हो चुका था वहां पर हम लोगों को, और वैसे कुछ दिखाने लायक नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। और ये है दोस्तों, क्या नाम है तेरा? नैतिक नाम है इसका। क्या खा रहा है, क्या क्या खाते रहता है ये लड़का? और ये बगल रूम वाला बच्चा है। तो दोस्तों अभी लाइट भी नहीं है और मैंने जला रखा है अपना लैंप जो कि बैटरी वाला है। तो फिलहाल दोस्तों अभी पेंटिंग तो नहीं हो पाएगा जब तक लाइट नहीं आएगी। और ये खा रहा है कुरकुरे यार, वो भी प्लेट पे। प्लेट नहीं, कटोरी है। कटोरी है? हाँ। कटोरी है, कटोरी पे खाता है ये। तेरा नाम क्या है बता दो? नैतिक। नैतिक नाम है इसका, नैतिक। और तेरा बहन का क्या नाम है? शिक्षा। ये इसका बहन का नाम है शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो दोस्तों अभी लाइट नहीं है इसीलिए थोड़ा सा मैं देवीगुड़ी चौक जाऊंगा, कुछ बियर्ड वगैरह सेट करवा लूंगा, काफी खराब सा लग रहा है। तो चलिए पहले देवीगुड़ी चौक जाके आते हैं फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफी दिक्कत होगा इसे पेंटिंग बनाने में, क्योंकि दोस्तों कलर भी मिक्स करना पड़ता है। तो कहने का मतलब लैंप के सहारे में नहीं हो सकता है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं देवीगुड़ी चौक बसिया। और दोस्तों ये बियर्ड जो है काफी खराब सा लग रहा है, तो चलिए दोस्तों पहले इसे सेट वगैरह करवा के आते हैं, क्योंकि मैं क्लीन शेव तो नहीं रखता क्योंकि मुझे मजा नहीं आता है दोस्तों। तो उधर से लौटते हैं, उसके बाद ही दोस्तों अपना काम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग का। ओके देन लेट्स गो। मैं हूँ देवीगुड़ी चौक पे और दुकानें जो है बंद हो चुकी है, कहने का मतलब जहाँ मैं बियर्ड सेट कराने के लिए आया था बट दुकान बंद थी। तो सीधे चलिए घर चलते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं और सीधे आपसे घर पे मिलेंगे। ओके तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ घर और अब दोस्तों हम करेंगे पेंटिंग को स्टार्ट। बट दोस्तों अभी तक लाइट नहीं आई है तो ये लैंप के सहारे दोस्तों पेंटिंग नहीं होगा, और दोस्तों मैं ऑयल कलर से बनाऊंगा इस बार पेंटिंग। तो चलिए फिलहाल उसी को स्टार्ट करेंगे, तब तक मैं सेटअप वगैरह करता हूँ। लाइट तो दोस्तों भरोसा नहीं लग रहा है क्योंकि काफी आप देख सकते हैं रूम भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा। ये सिर्फ एक लैंप जल रहा है दोस्तों, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों अपने पेंटिंग के सेटअप को स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना सेटअप तैयार करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा रिकॉर्ड करूंगा मैं इस लैंप के सहारे, जितना होगा करूंगा। तो चलिए आप भी देखिए मैं कैसा पेंटिंग करता हूँ, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं फेस का कलर दे रहा हूँ जो कि रेड व्हाइट और येलो को मिक्स करके मैंने बनाया है, और इसमें हाईलाइट हल्का करते जाऊँगा जहाँ जहाँ पे ज़्यादातर लाइट है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं करते जाऊंगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग देखते जाइए। और अभी दोस्तों बर्न्ड सियाना कलर में हल्का सा स्किन कलर को मैंने मिक्स कर दिया है और अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों बर्न्ड सियाना कलर डायरेक्ट मैं अप्लाई करूँगा तो थोड़ा डार्क लगे। और अभी दोस्तों बर्न्ड सियाना में मैंने रेड ऐड कर दिया है ताकि रेडनेस लगे, क्योंकि दोस्तों इसके गालों पर थोड़ा रेडनेस है। और हाईलाइट हल्का करते जाऊँगा दोस्तों, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मैं ये दे रहा हूँ। और येलो कलर भी मैंने यूज़ किया है नोज़ पे देखिए, और हाईलाइट के लिए दोस्तों मैंने स्किन कलर पे वाइट मिक्स कर दिया है। और जहाँ भी डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है बर्न सियाना कलर और हल्का सा रेड मैंने यूज़ किया है। तो ऐसा ही दोस्तों आप लोगों को करना है, और ये दोस्तों रेफरेंस में जैसा दिया हुआ है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। और ये देखिए अभी मैं जो डार्क टोन दिया मैंने वो डार्क ब्राउन कलर है, और बर्न्ड सियाना में ही दोस्तों हल्का सा रेड डाल के यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपको भी ऐसा ही करना है दोस्तों। अब दोस्तों मैं गले में सिंपली वही फेस कलर को दे दूँगा और बर्न्ड सियाना कलर का यूज़ करते हुए मैं डार्क टोन को अचीव करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं ब्राउन कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ जो कि हल्का हल्का लग रहा होगा आपको, और उसी में दोस्तों मैंने ब्लैक कलर भी ऐड कर दिया है उसी कलर में, और उसी को डार्क करके मैं दे रहा हूँ। तो बर्न्ड सियाना कलर का भी यूज़ हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग को भी ऐसा ही मैच कराना है ताकि आपका पेंटिंग जो है रियलिस्टिक लगे। और हल्का हल्का दोस्तों अभी मैं हाईलाइट करता जाऊँगा जहाँ जहाँ येलो कलर है, जहाँ जहाँ ये रेड कलर है, और हाईलाइट भी करता जाऊँगा दोस्तों वाइट से ताकि देखने में अच्छा लगे।
और स्किन कलर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि पूरा हाईलाइट मैं नहीं कर रहा हूँ, वो दोस्तों लास्ट में होगा। और अभी दोस्तों ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाने के लिए मैं बंसियाना में ब्लैक भी ऐड करूँगा ताकि वहाँ पे हल्का हल्का आँख भी दिखने लगे। कहने का मतलब चश्मे के अंदर से आँख कैसा दिखाई देता है आपको पता होगा, तो इसी तरह से दोनों आँखों पे मैं दूंगा और आप लोग देखते जाइए दोस्तों, ये आपको अच्छा लगने लगेगा। और आपको फ़ोटो को एब्जॉर्ब करना आना चाहिए दोस्तों ताकि आप लोग भी अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना सको। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट होगा तो दोस्तों अच्छा लगने लगेगा। अभी मैं दोस्तों रेड का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो गालों पे इसके रेडनेस है वो हाईलाइट हो जाए। अब इसी तरह से दोस्तों हर हाईलाइट को मैं देते जाऊँगा क्योंकि बाद में मुझे हाईलाइट कम करना पड़े, और ऐसे दोस्तों लास्ट में मुझे हाईलाइट करना ही पड़ेगा, बट अभी जितना हो सके मैं दे दूँगा। और ऑयल कलर का काफ़ी बेनिफिट रहता है दोस्तों ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हुआ हो तो वो आप बाद में सुधार सकते हो। तो ये देखो, और अभी दोस्तों रेफरेंस के अकॉर्डिंग बर्न सियाना और डार्क ब्राउन कलर का मैं यूज़ करूँगा होठों पे, और उस जो नीचे मैं दूंगा दोस्तों वो रेड, सिंपली रेड कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वाइट से दोस्तों हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। और किनारे किनारे दोस्तों जो डार्क कलर दिख रहा है वो बर्न सियाना और वही डार्क ब्राउन कलर है। और सिंपली दोस्तों इसी तरह से मैं पेंट करते जाऊंगा, और दांतों के बीच में वहाँ पे मैं ब्लैक कलर का, हल्का ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें दोस्तों बंसियाना मैंने यूज़ किया है। और ये देखिए दोस्तों बंसियाना में येलो कलर मैंने दिया है ताकि रेफरेंस में जैसा है वैसा लगे। और अब कानों पर भी दोस्तों वही टेक्निक मैं यूज़ करूँगा जो कि मैंने फेस पर किया है, वहाँ पर भी दोस्तों हल्का रेड दिखेगा, येलो भी दिखेगा। तो आपको रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे जिस कलर का शेड है वहाँ पर वही कलर देना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जर्वेशन का पावर को आपको बढ़ाना होगा, उसके बाद ही दोस्तों आप अचीव कर सकते हो। और अभी सिंपली दोस्तों फेस कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और येलो और वाइट का मैं यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ आपको दिखेगा दोस्तों। ये देखो अभी मैं वाइट कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और दोस्तों रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा येलो आइस है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा येलो का यूज़ करूँगा। और ये देखिए दोस्तों आपको पेंटिंग जो है कैसा लग रहा है, अगर पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना और लाइक तो ज़रूर कर दो यार, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों आपने पेंटिंग देखा, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करना, और कल वाली वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों क्योंकि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये पेंटिंग रियलिस्टिक बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी पेंटिंग बनाता हूँ वो रियलिस्टिक ही बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप पूरा कंप्लीट देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों आज है अगला दिन, क्योंकि मैंने दोस्तों आज कुछ ब्लॉग भी नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग को मैं फेस के ट्यूटोरियल में ही एंड करूँगा। तो आपने देख ही लिया, वैसे फेस का ट्यूटोरियल था, कल बियर्ड और हेयर के होंगे, मतलब पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा कल, उसके बाद तो शर्ट वगैरह बचता है तो वो तो तुरंत हो जाता है। तो जो भी मेहनत लगता है दोस्तों वो फेस पे ही लगता है, और उसके बाद बियर्ड वगैरह में। तो आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा मेहनत लगता है वो ज़रूर कमेंट करना, और दोस्तों आपको लगता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आएगी तो मुझे काफ़ी ख़राब लगेगा, और वैसे तो दोस्तों ज़्यादातर कमेंट मेरे पॉजिटिव ही आते हैं, अभी तक तो दोस्तों आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया है, और आशा करता हूं कि आगे भी नहीं होगा, और दोस्तों पेंटिंग में मिस्टेक्स करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो आपको लगता है कि मेरी पेंटिंग अच्छी लगती है तो लाइक ठोको और शेयर भी करना ताकि हर आर्टिस्ट के पास मेरी वीडियोस पहुंचे, और दोस्तों हम भी आगे बढ़ें और आप भी मेरे साथ साथ रहो, क्योंकि दोस्तों एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं हम भी कि आर्टिस्टों की लाइफ क्या होती है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो स्केच आर्टिस्ट हैं ज़्यादा ऊपर तक गए हैं, तो अभी हम लोगों का टाइम है दोस्तों, हम लोग भी करेंगे, और ये सब होगा दोस्तों आप लोगों के बदौलत, क्योंकि आप ही लोगों को करना है। तो एक कम्युनिटी बनाते हैं और एक साथ रहते हैं और आगे साथ साथ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल की वीडियो देखना मत भूलना दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा कल के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड,
कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।